हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले थर्मल इंजीनियरिंग की, ठीक है। और जो अपना आज का टॉपिक होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम पर पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा। और इस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो टॉपिक जो है आपका, बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एसओ सीरीज, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करने वाला हूँ, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आज के वीडियो से, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, बॉयलर की जो चरणार है वो होती क्या है। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बॉयलर की जो चरणार है वो क्या होती है। विभिन्न प्रकार के गेज और वाल्व जो बॉयलर के परिचालन में सहायक होते हैं, बॉयलर की चरणार कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो विभिन्न प्रकार के गेज और वाल्व जो बॉयलर के परिचालन, मतलब बॉयलर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं आपकी, बॉयलर की चरणार कहलाते हैं, ठीक है। तो बॉयलर माउंटिंग आपको समझ में आ गई। अब बॉयलर माउंटिंग कितने प्रकार की होती है उनकी बात कर लेते हैं। जो बॉयलर चरणार है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है दोस्त, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, चरणार निम्नलिखित हैं, दाब गेज, सुरक्षा वाल्व। फर्स्ट जो है आपकी दाब गेज, सेकंड है आपकी सुरक्षा वाल्व, थर्ड है आपकी जल थल सूचक, ठीक है। फोर्थ है आपकी भाप रोक वाल्व, और फिफ्थ है आपकी भरण चेक वाल्व, सिक्स है आपकी गलनी प्लग, सेवन है आपकी निकास टोटी। तो जो आपकी ये दी गई हुई है चरणार, ये निम्नलिखित प्रकार की होती, इतनी टाइप्स की आपकी चरणार होती है, ठीक है। मतलब कि बॉयलर माउंटिंग होती हैं। तो इन सबको आपको पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बॉयलर माउंटिंग आपकी क्या होती है, ठीक है। आपको बॉयलर माउंटिंग पता हो गई, उसके बाद 2 से 3 आप याद कर लीजिए। दाब गेज हो गया, सुरक्षा वाल्व हो गया, और एक कोई और याद कर लीजिए, गलनी प्लग याद कर लीजिए या फिर निकास टोटी याद कर लीजिए, ठीक है। तो इन 3 से 4 को आप याद कर लीजिए। एग्जाम पर आपसे यही पूछा जाता है कि बॉयलर माउंटिंग क्या है और उनके प्रकार को बताइए, तो बस आपको 2-3 को बताना है, उनका डायग्राम बनाना है, हो गया, और आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दाब गेज क्या होगा, प्रेशर गेज। जो आपका प्रेशर गेज है, दाब गेज सामान्यतः बॉयलर खोल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य काम बॉयलर में उत्पन्न भाप के दाब को बताना होता है। दोस्त, नाम से ही पता चल रहा है दाब गेज क्या होता है, प्रेशर गेज, मतलब कि प्रेशर को बताना। दाब गेज सामान्यतः जो होता है, बॉयलर जो आपका होता है, बॉयलर खोल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य काम जो है बॉयलर में उत्पन्न भाप को, भाप के दाब को बताना है। बॉयलर में जितनी भी भाप उत्पन्न हो रही उसका प्रेशर क्या है, इसको बताना होता है दाब गेज। तो अब बात कर लेते हैं जो आपके दाब गेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्त। तो बात कर लेते हैं जो आपके दाब गेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो है 2 प्रकार के दाब गेज का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका कौन सा है, डायफ्राम दाब गेज, सेकंड आपका है बर्डन दाब गेज। तो इन दोनों में से आप एक को तैयार कर लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा और उसका विद डायग्राम, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं बर्डन दाब गेज आपका क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, बस एक बार आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, बर्डन दाब गेज आपका क्या होता है। इस दाब गेज में पॉइंटर, लीवर एवं गियर की सहायता से बर्डन ट्यूब से जुड़ा होता है। इस दाब गेज में पॉइंटर, लीवर एवं गियर की सहायता से बर्डन ट्यूब से जुड़ा होता है। जब भाप को इस ट्यूब में से गुजारा जाता है, जो आपकी भाप होती है, स्टीम होती है, स्टीम को क्या करते हैं, इस ट्यूब से गुजारा जाता है, तो प्रवाह चक्रीय होते हुए पॉइंटर को बल प्रदान करता है। जब भाप को ट्यूब के अंदर से गुजारा जाता है तो क्या होगा, प्रवाह जो आपका होता है वो कौन सा होगा, चक्रीय होते हुए पॉइंटर को फोर्स प्रदान करता है। ये पॉइंटर चक्रीय स्केल से जुड़ा होता है जो भाप के दाब को बताता है। जितना भाप का दाब होता है पॉइंटर, उतना ही स्केल आगे बढ़ाता है। दाब गैस को बॉयलर से साइफन द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया बर्डन दाब गैस क्या है। सीधे सीधे से प्रेशर को बताना है और उसका
पूरा दिखा लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। इसका डायग्राम ये यहाँ पर इसका सीधे शब्दों में है, इसको आप बनाना भी आपको यही डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से भाप को क्या किया जा रहा है, इंटर किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका विस्थापन है, ये आपका पॉइंटर है ये वाला, और ये क्या है, ये आपका गियर व्यवस्था है, गियर अरेंजमेंट है, ये आपका क्या है, बर्डन ट्यूब है जिसके अंदर से भाप जाती है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुरक्षा वाल्व यानी कि सेफ्टी वाल्व क्या होती है। ये भी क्या है, बॉयलर माउंटिंग है, बॉयलर चरणहार है, ठीक है। तो बात करते हैं सेफ्टी वाल्व आपकी क्या होती है। सुरक्षा वाल्व का मुख्य कार्य बॉयलर में उत्पन्न ऊष्मा को बाहर वायुमंडल में निकालना होता है। जो आपकी सेफ्टी वाल्व होती है इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, बॉयलर में उत्पन्न ऊष्मा को वायुमंडल में निकालना होता है, जिससे बॉयलर के अंदर दाब एक निश्चित दाब से कम हो जाता है। भाप का दाब बढ़ने पर बॉयलर फट सकता है। कहने का मतलब क्या, जो आपका सेफ्टी वाल्व है इसका कार्य यह होता है कि जो सुरक्षा वाल्व इसका मुख्य कार्य बॉयलर के अंदर जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा जो अधिक होती है उसको वायुमंडल में निकालना होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, आपका बॉयलर फट सकता है। कहने का मतलब जो आपका कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसमें जो आपकी सीटी लगी होती है, एक तरह सेफ्टी वाल्व होती है, जब उसमें उसके अंदर का जो भाप होती है अधिक हो जाती है, प्रेशर यानी ज्यादा हो जाता है, तो क्या होती है, उससे जो भाप होती है जब सीटी ऊपर हो जाती है तो निकल जाती है, ठीक है। उसी तरह का ये सेफ्टी वाल्व ये भी है, अगर उसमें सेफ्टी वाल्व ना लगाया जाए, सीटी कुकर पे ना लगाई जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, कुकर भी आपका फट जाएगा, ठीक है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यह बॉयलर का महत्वपूर्ण अंग है। तो आपको सेफ्टी वाल्व दोस्त समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल सा आपको बता देना। सेफ्टी वाल्व मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अचल भार सुरक्षा वाल्व, लीवर सुरक्षा वाल्व और स्प्रिंग भरी सुरक्षा वाल्व। बस आपको ऐसे ही लिख देना है और इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं गलनी प्लग आपका क्या होता है। बस तीन से चार ही आपको याद करके रखनी है और वही लिखनी है, बॉयलर माउंटिंग आपकी क्या होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं गलनी प्लग आपका क्या है। यह बॉयलर को अति तापमान से होने वाले नुकसान से बचाता है। जो आपका गलनी प्लग है इसका मुख्य कार्य पता है आपको क्या है, बॉयलर को अति तापमान से होने वाले नुकसान से बचाता है। और अति तापमान का मुख्य कारण पता है आपको क्या होता है, अति तापमान का जो मुख्य कारण है दोस्त, जल के स्तर में कमी। जब बॉयलर के अंदर पानी की कमी हो जाती है तब अति तापमान होता है, और इसी अति तापमान से होने वाले नुकसान से किस कौन बचाता है, गलनी प्लग आपका है जो बॉयलर को बचा कर रखता है। यह बॉयलर खोल एवं दहन भट्टी में यह प्लग फायर वॉक्स क्राउन प्लेट की सहायता से जुड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया गलनी प्लग का कार्य क्या है, यह बॉयलर के अति तापमान से होने वाले नुकसान से बचाता है, और इसमें जो अति तापमान का जो मुख्य कारण है वो क्या है, पानी की कमी के कारण होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो डायग्राम है उसे देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दोस्त, क्राउन प्लेट है ये वाली आपकी, और ये क्या है आपका खोखला प्लग है ये आपका, ठीक है, और ये क्या है गलनी प्लग है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बॉयलर के उपसाधन क्या हैं, बॉयलर की एसओ सीरीज क्या है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉयलर की माउंटिंग आपको समझ में आ गई, अगर बॉयलर की माउंटिंग आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉयलर के उपसाधन, बॉयलर एसओ सीरीज क्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए बॉयलर के प्रचालन को दक्ष करने तथा दक्षता में वृद्धि के लिए प्रयुक्त युक्तियों को बॉयलर उपसाधन कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें बॉयलर एसओ सीरीज आपकी क्या होगी, बॉयलर की जो एसओ सीरीज है, बॉयलर की दक्षता को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, हम एसओ सीरीज का प्रयोग करते हैं, बॉयलर उपसाधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम बॉयलर में उपसाधन का प्रयोग ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपका बॉयलर सुचारू रूप से जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, बस क्या होगा जो इसकी इफिशियंसी है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। बॉयलर उपसाधन का प्रयोग नहीं करने पर बॉयलर का कार्य सुचारू रूप से होता है, परंतु इससे कि ना
लगने पर बॉयलर की जो दक्षता है वो प्रभावित होती है। कहने का मतलब जो है बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो उसमें फर्क पड़ेगा अगर हम एसओसीडीज का प्रयोग नहीं करेंगे तो। बॉयलर उपाशादन आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बॉयलर उपाशादन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी प्रमुख उपाशादन निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, सुपर हीटर अति तापक, सेकेंड है मृत्युपयोजक, ठीक है, और थर्ड कौन सा है आपका, वायु पूर्व तापक। तो ये तीन है आपको, बस यही तीन आपको याद करने हैं और इन्हीं तीन को आपको पढ़ना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला जो है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, क्या है अति तापक आपका क्या होता है, सुपर हीटर, ठीक है। तो सुपर हीटर क्या है, अति तापक, अतितापक इसका प्रमुख कार्य बॉयलर ड्रम से प्राप्त होने वाली संतृप्त भाप का तापमान बढ़ाकर उसे अतितप्त भाप में परिवर्तित करना होता है। जो आपका दोस्त अतितापक है, सुपर हीटर है, इसका जो मुख्य कार्य है बॉयलर ड्रम से प्राप्त होने वाली संतृप्त भाप का तापमान बढ़ाकर उसे अतितप्त भाप में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। अतितापक नलियों की आकृति का बना होता है, जो क्या है अतितापक नलियों की आकृति का बना होता है तथा एक ऊष्मा विनिमित्र की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब यह है एक हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है अतितापक, सुपर हीटर। अतितापक में संतृप्त भाप नलियों में प्रवाहित होती है, ठीक है, तथा गर्म गैसें नलियों के ऊपर से प्रवाहित कराई जाती हैं तथा इसे प्राथमिक चालक में भेज दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सुपर हीटर क्या है, इसका जो मुख्य कार्य बॉयलर ड्रम से प्राप्त होने वाली संतृप्त भाप का तापमान बढ़ाकर उसे अतितप्त भाप में परिवर्तित करना होता है और ये एक हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से दोस्त समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये इसका डायग्राम देख सकते हैं, ऐसा ही डायग्राम आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पर बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दहन भट्टी से गर्म गैसें बॉयलर से उत्पन्न संतृप्त भाप है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद ये क्या, अतितप्त भाप प्राथमिक चालक को अतितापक से बची हुई ऊष्मा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्त मृत्युपयोजक आपका क्या होता है, सेकंड जो बॉयलर की एसओ सीरीज है सेकंड उसकी बात कर लेते हैं। मृत्युपयोजक, मृत्युपयोजक को भरण जल पूर्व तापक भी कहते हैं, ठीक है। मृत्युपयोजक को भरण जल पूर्व तापक भी कहते हैं। यह एक ऊष्मा विनिमित्र जिससे गर्म गैसों को ऊष्मा को संघनित जल या भरण जल को दी जाती हैं, ठीक है। बॉयलर में भरण जल में भेजने से पहले मृत्युपयोजक में गर्म किया जाता है। इसमें सामान्यतः जल नलियों में भेजा जाता है और भाप नलियों के ऊपर से भेजा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका मृत्युपयोजक है, मृत्युपयोजक जो है भरण जल पूर्व तापक भी कहते हैं। यह एक ऊष्मा विनित मतलब कि हीट एक्सचेंजर जिसमें गर्म गैसों को ऊष्मा को संघनित जल या भरण जल को दी जाती हैं। बॉयलर में भरण जल में भेजने से पहले मृत्युपयोजक में गर्म किया जाता है और इसमें जो होता है नलियों के अंदर क्या होता है, जल नलियों के भेजा जाता है और भाप नलियों के ऊपर से भेजी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसका भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका डायग्राम जो है, यहाँ से क्या है भरण जल प्रवेश किया जा रहा है, ठीक है, और जो है ये गर्म गैसें का प्रवेश किया जा रहा है और इसके अंदर क्या है पानी का है, नलियों के अंदर पानी है और इसके नलियों के ऊपर से गर्म गैसों का प्रवेश किया जा रहा है और यहाँ से गर्म गैसें जो है दोस्त आपकी वो बाहर निकल जाएंगी और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, गर्म जल बाहर, यहाँ से आपको गर्म जल मिल जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्त नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है वायु पूर्व तापक, ठीक है, उसकी बात कर ले। वायु पूर्व तापक यह एक हीट एक्सचेंजर होता है, यह भी ये क्या होता है एक हीट एक्सचेंजर होता है, ऊष्मा विनिमित्र यह भी होता है, जिसमें वायु को बढ़ा वायु को बॉयलर भट्टी में भेजने से पूर्व दहन गैसों की सहायता से गर्म किया जाता है। यह भी क्या होता है हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें वायु को बॉयलर भट्टी में भेजने से पहले ही दहन गैसों की सहायता से गर्म किया जाता है। वायु को पूर्व
तप्त करने से दहन दर तथा दहन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा वायु पूर्व तापक क्या होता है। अब वायु पूर्व तापक के लाभ क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो वायु पूर्व तापक के लाभ हैं, तापीय दक्षता में वृद्धि, ठीक है, ईंधन की खपत कम होती है, बॉयलर की वाष्पन क्षमता में वृद्धि होती है, दहन क्रिया में कम धुआं निकलता है। तो ये क्या थे, वायु पूर्व तापक के कुछ एडवांटेज थे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं बॉयलर माउंटिंग तथा एसओ सीरीज में अंतर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ही पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक दोस्त, अगर इसकी आपको पीडीएफ या नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं बॉयलर माउंटिंग का, जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बॉयलर माउंटिंग बॉयलर पर चढ़ी हुई वह सहायक युक्तियां हैं जो बॉयलर की सुरक्षा और परिचालन के लिए आवश्यक हैं। और एसओ सीरीज आपकी क्या है, एसओ सीरीज ऐसी सहायक युक्तियां हैं जिनका प्रयोग बॉयलर की दक्षता को वृद्धि मतलब कि बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम एसओ सीरीज का प्रयोग करते हैं, बॉयलर का परिचालन भी भली भांति होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, यह बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्तियां हैं, जो आपकी बॉयलर की माउंटिंग है, बॉयलर के लिए ये अति आवश्यक युक्तियां हैं। क्यों, अब मान लीजिए जो आपका सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर गेज है, अब ये सब अगर आपकी नहीं होगी तो आपको प्रेशर गेज नहीं होगा तो आपको प्रेशर का पता नहीं चलेगा कितना है। ठीक है, और अगर आपका सेफ्टी वाल्व नहीं होगी तो उसके अंदर जो भाप बन रही है जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, तो बॉयलर क्या हो जाएगा आपका, फट जाएगा, जब भाप वायुमंडल में रिलीज नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है परंतु भाप जनित को मितव्यवी बनाती है। कहने का मतलब क्या, जो इसकी ये आवश्यकता इनकी नहीं होती, लेकिन इसकी दक्षता को इंक्रीज करने के लिए हम बॉयलर की एसओ सीरीज का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी कीमत अधिक होती है, जो ये आपकी बॉयलर की माउंटिंग होती है इनकी कीमत बहुत अधिक होती है, और जो बॉयलर की जो एसओ सीरीज है इनकी कीमत कम होती है, क्योंकि इनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हमें आवश्यकता किसकी होती है, बॉयलर की माउंटिंग की होती है सबसे ज़्यादा। यह बॉयलर पर लगाई जाती हैं, ठीक है, जो बॉयलर माउंटिंग है बॉयलर पर लगाई जाती हैं, और इस वाले में क्या है, इनका बॉयलर पर लगना आवश्यक नहीं है, केवल बॉयलर की दक्षता बढ़ती है। ठीक है, इनका क्या है, बॉयलर पर इनको लगाना आवश्यक नहीं, केवल बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम बॉयलर एसओ सीरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 5 नंबर उदाहरण पे दिया गया है, मैन होल दाब गेज जल थल सूचक सोक वाल्व और भरण चेक वाल्व, ये वही दिए गए हुए गलन प्लग सुरक्षा वाल्व, जो कि मैंने आपको बताए थे कि बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी होती है, इधर वही दिए गए हैं कि बॉयलर एसओ सीरीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है।